समीर कोहली सर विदिजन लेक्चर ऑफ क्लास टेंथ मैथमैटिक्स की रिविजन सेल्ड पॉलिम पोलिनोम कुछ डिलीशन है उन बच्चों के लिए जो दो हजार इक्कीस में जो पेपर डिले हुआ है मई और जून में जो पेपर हो रहे हैं वो लोग जब पेपर देंगे उनके हिसाब से फिलहाल हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है पंद्रह बीस क्वेश्चन है देखते हैं हमसे कितना होता है होने से ज्यादा मेरी टेक्निक पे ध्यान देना कि आपने टेक्निक से क्या सीखा ये वन से लेकर वन टू सिक्स क्वेश्चन है ये सेवन से, से लेकर टेन तक है मुझे पॉज करो खुद से करो ये इलेवन से लेकर फोर्टीन तक है ये चौदह पंद्रह है चौदह और पंद्रह कनेक्टेड क्वेश्चन है शायद ना भी कराऊ मैं और सोलह से लेकर बीस तक क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये ट्वेंटी क्वेश्चन है इन ट्वेंटी क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि कम से कम थर्टी मिनट्स दो गिव यूर सेल्फ थर्टी मिनट्स टाइम टाइम दे रहा हूं बट एक बार थर्टी मिनट दो और अपने आपको इवेलुएट करो किस ट्वेंटी में से आपके कितने मार्क्स आते हैं फिर दोबारा से आपके पास सारी ऑप्शन है आप पॉज करके आराम से देख सकते हो दर इज नो प्रॉब्लम बट द पॉइंट इज यू हैव टू सीखना पड़ेगा लर्न यू हैव टू लर्न जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन कहता है इफ एल्फा एंड बीटा आर दीरोज ऑफ द पोलिनोम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मेरी जो क्लास है जब मैं पढ़ाता हूं उसके बाद वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा वो तो बाद में निकल जाएगी जब भी आपको जब भी आपको मिले तो आपको पांच स्टेप करने हैं जैसे कोई बड़ा आदमी दिखे और उसके पैर छूने हैं वैसे आपको पांच स्टेप करने हैं आपको ए बी सी निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है उसके बाद देखना है ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा तो अगर ए होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन बी होता है हमारे तो पास माइनस वन और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए वन अपॉन वन तो ये हो गया वन आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल आपके सामने आए आपको ये पांच स्टेप जरूर करने हैं आप देखना है कि वो मांग क्या रहा है वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा आप क्या तो भैया हमें नहीं आता हमें नहीं पता वन अपॉन अल्फा प्लस अपॉन बीटा की क्या वैल्यू है इतने एक बच्चा बोलेगा सर इसको एक स्टेप आगे कर लो ना यार यहाँ पर एलसीएम ले लो अल्फा बीटा मैंने कहा ले लिया बच्चा बोलेगा बीटा ऊपर जाएगा प्लस अल्फा मैंने कहा ठीक है जी बच्चा कहेगा सर अब थोड़ा सा ध्यान दो अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है और सर अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था माइनस वन अपॉन वन आंसर इज माइनस वन योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन मैंने करा भी है और आपको समझाने की कोशिश भी करी है आई होप कि आपको ये समझ आया है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से देखना जीरो पोलिनोम पोलिनोम दे रखा है टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन अब मेरा जो अपना बच्चा है वही सेम वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा वो पांच चीजें जरूर करे ए बी सी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये पांच चीजें जरूर करो बाकी देखी जाएगी बात ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिन बच्चों को दिक्कत हो रही हो कहीं पे तो ए हो जाएगा फोर बी हो जाएगा थ्री सी हो जाएगा सेवन जय माता दी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए तो माइनस थ्री बाय फोर एल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपाने जिनको फॉर्मूला याद नहीं है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपाने प्रोडक्ट ऑफ जीरो मांगी गई है वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू सीखने वालों के लिए अल्फा बीटा एल्सियम आ जाएगा ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस एल्फा बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है बेटा माइनस बी अपाने माता रानी का नाम लो माइनस थ्री बाय फोर अपॉन सेवन बाय फोर सी अपॉन ए बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा फोर से फोर कैंसिल हो गया आंसर इज सेवन योर आंसर इज माइनस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल को देखो तो पांच चीजें जरूर करो क्वेश्चन होगा नहीं होगा बट जीरो नंबर नहीं आएगा मेरे किसी बच्चे का जीरो नहीं आने दूंगा जीरो से शुरुआत करो बट जीरो पे अंत मत करो ये बात याद रख लेना अंत आपको संपूर्णता पे करना है और मैथ्स में दसवीं में सॉल्व आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बस आपको टीचर की बात को मानना है जो वो वीडियो देखते हो तो वीडियो पूरी देखो पहली चीज दूसरी बात जो वीडियो में टिप्स दी जाती है उन टिप्स को फॉलो भी करो नहीं करोगे तो आप लोग समझदार हो मैं इसमें क्या कह सकता हूं अब फिर एक और क्वेटिक पोलिनोम आ गया इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोम इज रेसी ब्रोकल ऑफ दी अदर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है मैं सबसे पहले एफ ऑफ एक्स देखता हूं जब तो वो आता है एक्स स्क् सॉरी के स्क्वा सॉरी भाई साहब गलती हो गई क्वेश्चन लिखने में गलती मत करना के स्क्वायर प्लस फोर इन टू एक्स स्क् प्लस थर्टीन एक्स प्लस फोर के और वो बोल रहे हैं वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ये क्वेश्चन की खास बात है बट स्टिल बट स्टिल यहां पर मैं पांच चीजें करूंगा ए बी और सी बच्चे ने कहा ए बी और सी करा तो ए तो हो गया के स्क्वायर प्लस फोर बी हो गया थर्टीन और सी हो गया फोर के पहली चीज और आप चौथी चीज कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा और पांचवी चीज करते थे आप अल्फा इंटू बीटा बट सर चिड़िया उड़ तोता उड़ नहीं हो रहा यहाँ पर यहाँ पर लॉजिक लगेगा हर क्वेश्चन में कुछ खास बात होती है जीरो इज इज रेसिप्रोकल ऑफ बड़ी स्टेटमेंट है तो सर एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा नहीं होगा यहां पर हर बार वो चीज नहीं जो आप कह रहे हो हमने वो पांच चीजें करने की कोशिश करी बट हमें पता चल गया गलत है तो हमने क्या करा लेट वन जीरो जो हमने ले लिया वो हमें लेना पड़ेगा वन अपॉन अल्फा रेसिप्रोकल का मतलब समझ लो तीन का रेसिप्रोकल वन बाय तीन होता है शाहरुख खान

कंफ्यूज होने का पूरा अधिकार है बट डिसहार्ट मत हो अपना दिल मत लूज करो एक चीज और बाकी है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा अपॉन अपॉन जो बराबर होता है जीरो अरे अल्फा से अल्फा बाय बाय हो गया यही इस क्वेश्चन की खास बात थी बोर्ड्स में हैश टैग बोर्ड्स बोर्ड में ये क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं तो यहां तो वन आ गया और सी सी बराबर है बच्चे फोर के अपॉन के स्क्वायर प्लस फोर जय माता दी इसको इधर ले आओ के स्क्वायर प्लस फोर इज फोर के 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 स्क्वायर ये फोर इधर आ जाएगा माइनस फोर फोर के प्लस साथ में हमारे पास 4 बराबर जीरो मैं कहूंगा मुझे पॉज करो और खुद से सॉल्व करो तो के स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू के इंटू टू बराबर जीरो आ जाएगा के माइनस टू का स्क्वायर बराबर जीरो, तो के टू इस मुझे करना नहीं है मुझे समझाना है तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया है उन बच्चों की मैथ्स में मैथ्स में पोजीशन अच्छी है मैं बोलूंगा अच्छी है ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्किलफुल्ड है मतलब स्किलफुल है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वो कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर दीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू देन दॉलीनोम जिसके वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा होंगे वो इन चारों में से कौन सा होगा मेरे को क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं आया जब क्वेश्चन ना समझ आए तो पांच चीजों पर ध्यान देना ए बी सी एल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जब ना समझ आया ही नहीं भाई समझ और छोड़ आना कोई दिक्कत नहीं क्यू भी है तो भी छोड़ आना कोई दिक्कत नहीं वहीं छोड़ दो ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू पी सी की वैल्यू क्यू अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपने तो हो जाएगा माइनस पी एल्फा इंटू बीटा होता है सी अपाने बराबर हो जाएगा क्यू थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ पोलिनोम एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा अब यहां मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूं बच्चा बोलेगा सर ज्यादा भी कंफ्यूजन की एक्टिंग मत करो क्वाड्रेटिक पोलिनोम जो होता है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर माइनस आपका पहला जीरो है वन अपॉन अल्फा प्लस दूसरा जीरो है वन अपॉन बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वन अपॉन एल्फा इंटू वन अपॉन बीटा तो एक्स अल्फा बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस इंटू बीटा ये तो खिचड़ी बन गई और मैं बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गया जबकि कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है अल्फा प्लस बीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा माइनस पी और सर एल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा क्यू एल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा क्यू बस ये वैल्यूज आपको डालनी है तो माता रानी का नाम लो कैसे वैल्यूज डालोगे एक्स स्क् माइनस एल्फा प्लस बीटा माइनस पी है तो माइनस माइनस प्लस पी अपॉन एल्फा बीटा क्यू एक्स अपॉन क्यू दिस नहीं कर रहा तो हमारी थोड़ी सी हालत टाइट हो रही है थोड़ी सी ज्यादा हालत टाइट नहीं हो रही तो बच्चा बोलेगा सर टेंशन मत लो एल्सियम ले लो एल्सियम ले लो क्यू क्यू एक्स स्क्वास प्लस पी सर प्लस वन तो वन अपॉन क्यू बाहर आ जाएगा क्यू एक्स स्क्स पी एक्स प्लस वन क्यू एक्स स्क्स पी एक्स प्लस वन ये जो बाहर वाला कांस्टेंट होता है इसको हम हटा सकते हैं अगर आपने डिटेल में पोलिनोम करा हो तो इसका जो सही आंसर है वो ये है जो कि ऑप्शन सी से मैच हो रहा है दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव अब देखो पता है यहां पर मैं तुम्हें इजी क्वेश्चंस भी करा सकता हूं बट धीरे धीरे हमें अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना है अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत सही लगेगा अगर वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर छ पर क्वेश्चन नंबर छह की शायद हमारे पास ऑप्शन हाँ, है क्वेश्चन नंबर छह को आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर छह को देखो वो फिर भी बोल रहा है जीरोज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी देन द वैल्यू ऑफ हमें निकालनी है वैल्यू अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन वो पहली चाल आपके आगे चल चुका है मैंने बोला जब भी क्वाड्रेटिक आए तो आपको ए बी और सी लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए जो होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है बी जो होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है और सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है तो सबसे पहले जब मैं इसको खोलूंगा एक्स स्क् माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं मैंने पहले ब्रैकेट खोला अगर एक मेरी पोजीशन अच्छी होगी तो एक्स स्क्स माइनस कॉमन ले लूंगा अंदर बचेगा पी प्लस सी ये मेरा बन जाएगा पोलिनोम अब इसको कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस, प्लस सी से अब माता रानी का नाम लेके सी डैश कर देता हूं तुम्हारे लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो अब हमारा जो मेन जो स्टेप है हमारा आज भी वही स्टेप है स्टेप क्या है सर आपने सिर्फ ए बी सी अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। है ए जो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ए इस हिसाब से रहा रहा है। है बी को देखो तो माइनस पी आ रहा है। और सी को देखो तो वो आ रहा है माइनस में पी प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का वो वाला पार्ट है अगर ये समझ आया है तो ही आगे बढ़ने का फायदा है नहीं तो कोई फायदा नहीं है ए बी और सी आ गया सी ये तीनों कोफिशियंट आ गए अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ माइनस पी बराबर हो जाएगा पी सिंपल पी और एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए सी माइनस में है तो माइनस में पी प्लस सी अपॉन वन ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ, आ गई ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माता रानी का नाम लो अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या करना है? मैं कह रहा हूं आपसे नहीं हो रहा सोल्व आप नहीं निकाल सकते इसकी वैल्यू नहीं कर सकते बट स्टिल जो पांच बातें हैं किसी के पास भी जाओ मैथ्स नहीं मैं लाइफ के बारे में बात करता हूं किसी के पास भी जाओ पहली चीज मुस्कुराते हुए जाओ दूसरी चीज गर्दन ऊपर करके जाओ तीसरी चीज उनको नमस्ते करो नमस्ते करो पैर छु ग्रीट करो कोई भी हो गुड मॉर्निंग भले दुश्मन से नहीं मिल और भाई कैसा है एक बार खुश होकर मिल लो तुम्हें पता ही नहीं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी जब भी किसी से मिलो खुश होकर मिलो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब इसको जब हम खोलने के बारे में आएंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू वन बराबर अल्फा प्लस वन इंटू बीटा बराबर बीटा प्लस वन इंटू वन, वन बराबर वन अब हम जानते हैं क्या हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस में पी प्लस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास पी प्लस वन क्लास बोलेगी माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन पी से पी गया आंसर इज वन माइनस सी माइनस सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन अगर आया है तो बहुत 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 बढ़िया आई सीरियसली रिस्पेक्ट यू फिर दोबारा वो कह रहा है इसी में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोम सच दैट सच दैट वो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा सॉरी oh, वो कह रहा है सच दैट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है इस बार हमें गिवन है कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर है जीरो के बराबर दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ सी तो अगर क्लास सात है टाइम ना वेस्ट करें अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन की वैल्यू बराबर हमारी सॉल्व करने के बारे में वन माइनस सी आई है मगर सेवंथ क्वेश्चन में बोल रहा है वो बराबर जीरो तो अगर वन माइनस सी बराबर जीरो हो वन इज इक्वल टू सी हो जाएगा मतलब जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी वन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन में भागा नहीं हूं उसी से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है देखिए क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन में हमें ग्राफ को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा थोड़ा सा ग्राफ को पढ़ना पड़ेगा मैं आपको ग्राफ का एक अलग लेक्चर दे दूंगा बारह भी कोर्स में नहीं है क्वेश्चन नंबर तेरह भी कोर्स में, में नहीं है और क्वेश्चन नंबर चौदह भी कोर्स में नहीं है तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम क्वेश्चन नंबर चौदह के बाद पंद्रह भी उसी का पार्ट है आज जाओ आप क्वेश्चन नंबर सोलह पे क्वेश्चन नंबर सोलह टाइप का हमने करा है सत्रह इज नॉट इन कोर्स अठारह इज नॉट इन कोर्स उन्नीस इज नॉट इन कोर्स एक बीस हम करेंगे तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वो ए बी सी वन जीरो ले लेंगे अल्फा और दूसरा जीरो ले, ले लेंगे वन अपॉन एल्फा ए बराबर है फाइव बी बराबर है थर्टीन सी बराबर है के जो तेज बच्चा होगा वो यहां सम ऑफ जीरोस के केस में फंसेगा ही नहीं जब भी रेसिप्रोकल वर्ड आ जाए तो आप सम ऑफ़ जीरोस में नहीं फंसोगे आप फंसोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होगा सीएपाउने एक जीरो अल्फा एक जीरो वन अपॉन एल्फा है बराबर सी से अल्फा बाय बाय हो गया तो अल्फा अल्फा तो ये तो वन हो गया बराबर सी बाय सी की वैल्यू है K 5. तो ये उधर आ जाएगा द वैल्यू ऑफ इज इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इज इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये मैंने एक बुक है उसके बीस क्वेश्चन लगातार ऐसे करा दिए थे फिल्टर नहीं करे थे तो इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में अगर हम देखें इफ एल्फा एंड बीटा आर द दीरोज ऑफ द पोलीनॉमिल दिसल्यू ऑफ वन अपॉन एल्फा स्क् प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर तो सबसे पहले पोलिनोम देखा पॉलिनोम में ए बराबर ए है बी बराबर बी और सी बराबर सी है अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपाने और अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी अपॉने वो कह रहा है वैल्यू निकालो किसकी वन अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्लास बोलेगी एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा बीटा बीटा होल होल डिवाइडेड बाय का पहले चेक करो ये आइडेंटिटी आती है या नहीं आती है मेन सारा गेम आइडेंटिटी फॉर्मूलाज बेसिक्स का है अगर ये सब क्लियर है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालूंगा माइनस बी ए माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी अपॉन ए होल अपॉन सी अपॉन ए का होल स्क्वायर क्लास बोलेगी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए होल अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलसीय आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी एलसीय आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन सी स्क्वायर बच्चे कहेंगे सारे क्वेश्चंस कटवा दिए कटवाए नहीं है जो आपके एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं फिलहाल आपने करे भी नहीं है और मैं इस समय करा के आपको कंफ्यूज करना भी नहीं चाहता अगर आपको करने हो तो आप उषा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो स्टोर पे जाओ और वहां से जाके चैप्टर ले लो उसमें क्यूबिक वगैरह मैंने सब करा रखा है बट बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू मैंने आपके साथ कुछ एमसीक्यू डिस्कस करे हैं आई होप कि आपको वो समझ आए होंगे और आने वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको एमसीक्यू की पहले रिवीजन कराऊंगा देन वी विल गो फॉर द बड़े वाले क्वेश्चंस। फिलहाल के लिए योर समीर सर सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल जय माता दी